जहां वीआईपी को पास कराने के लिए रोड ब्लॉक करना तो आम बात है, लेकिन ताजा मामले में ट्रेनों को ही रोक दिया गया। यह घटना बक्सर में हुई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को निकालने के लिए आउटर पर दो ट्रेनों को 15 मिनट तक रोक कर रखा गया, जिस कारण यात्री ट्रेन से उतरकर पैदल ही बक्सर स्टेशन पर जाने लगे। केंद्रीय मंत्री से स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नीतीश समस्या कुमार है, संवेदनशील होते तो सीधे बानरपुर बक्सर जाकर किसानों से मिलते, उन्हें उनका हक देते। समाधान यात्रा के नाम पर बक्सर पिकनिक करने आए थे, पिकनिक मनाकर चले गए। आज हम सभी ने काला दिवस मनाया है, मुंह पर पट्टी बांधकर उनकी यात्रा का विरोध किया। और उपरोक्त पूरे मामले को लेकर मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लटका दिया जा रहा है और विशेष राज्य के नाम पर भटकाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार की नीयत ठीक होती तो आज बिहार देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य होता, का उनके नाकामियों का सामने उजागर भी किया। मैंने कहा कि ट्रेन को मुख्यमंत्री के आने के लिए दो दो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही। कल बक्सर में ट्रेन को रोका गया था, इस पर काफी प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री के कैबिन गेट के लिए। वीआईपी कल्चर, एलिगेशन ऑफ वीआईपी कल्चर रिटर्निंग बैक टू बिहार व्हेन द ट्रेन वाज स्टॉप्ड। बहुत ही दुखद स्थिति है और खुद माननीय बक्सर के माननीय, हमारे देश के माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि इस पर रेल विभाग को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की चीजें किसी भी स्थिति में अलाउ नहीं की जा सकती है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने लाल बत्ती कल्चर और वीआईपी कल्चर को इस देश से समाप्त किया है और वहां पे रेलवे के ट्रेन को रुकवाया गया। किसने रुकवाया और किसके प्रेशर से रुका, निश्चित तौर पर जांच होकर उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होती है।